नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के धाकड़ी फायरिंग मामले में नशेड़ी गिरोह का बाटला गिरफ्तार। बाटला की निशानदेही पर दो पिस्टल, रिवॉल्वर व गोलियां बरामद। मामले में आकाश सिंह और बाटला के रूप में हुई 13वीं गिरफ्तारी। धाकड़ी में कांग्रेसी नेता मोहम्मद इकबाल पर हुई थी फायरिंग। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता की अभद्र टिप्पणी पर भड़के भाजपाई। जमशेदपुर भाजपा ने DC ऑफिस पहुंच की कांग्रेस विरोधी नारेबाजी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर की सख्त कार्रवाई की मांग। सोनिया गांधी ने ED की पूछताछ पर मानसिक संतुलन खोने का लगाया आरोप। और जमशेदपुर लॉयला स्कूल रहा GRD क्विज का ओवरऑल चैंपियन। GRD जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ इंटर स्कूल क्विज। मुख्य अतिथि रुचि नरेंद्रन ने विजेता टीम को प्रदान किए पुरस्कार। रुचि नरेंद्रन ने टाटा समूह के बारे में बच्चों की जानकारी की सराहना। बात करते हैं कांग्रेसी नेता पर फायरिंग मामले में आकाश सिंह उर्फ बाटला की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के बिस्टुपुर थाना अंतर्गत धातकड़ी में मोहम्मद इकबाल पर सलमान गिरोह के द्वारा की गई फायरिंग में मामले में संलिप्त एक और अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से उसकी निशानदेही पर अवैध पिस्टल, कारतूस एवं अन्य सामान भी बरामद किए हैं। बिस्टुपुर थाना अंतर्गत धातकड़ी डी ब्लॉक लाइन नंबर 8 निवासी कांग्रेस नेता इकबाल पर विगत दिनों हुई फायरिंग के मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने नशेड़ी गैंग के सक्रिय सदस्य आकाश सिंह उर्फ बाटला को गिरफ्तार किया है। आकाश की निशानदेही पर पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 1 सिक्सर एवं 11 गोलियां भी बरामद की है। इस मामले में गिरोह का मुख्य सरगना सलमान अब तक फरार है। SSP प्रभात कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कांड में संलिप्त आकाश उर्फ बाटला पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका है। वो सलमान गैंग के साथ दुकानदारों से रंगदारी मांगने एवं लोगों को डराने धमकाने का काम करता है। बताते चले कि विगत 15 जुलाई को सलमान ने इकबाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस इस मामले में अब तक और 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस सलमान की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। 15 जुलाई 2022 को धातकड़ी में एक फायरिंग की घटना हुई थी। उस फायरिंग की घटना को लेकर के एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व DSP CCR कर रहे थे। क्लोज मॉनिटरिंग CBSP के द्वारा किया जा रहा था। उस घटना के बाद लगातार मनरेगा से संबंधित जो गिरोह हैं और अपराधकर्मी हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इससे पहले भी आप लोगों को हम बताया था कि कुल 12 लोग और काफ़ी सारा हथियार और कारतूस को बरामद करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में बहुत दिनों से फरार और सलमान गिरोह का एक सक्रिय सदस्य आकाश सिंह और बाटला को उक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से और उसके निशानदेही पे कुल 2 पिस्टल, 1 6-चक्रीय रिवॉल्वर और बहुत सारा कारतूस बरामद किया गया है। उस गिरोह का सक्रिय सदस्य रहते हुए इस गिरोह के सभी आपराधिक घटनाओं में ये किसी न किसी रूप में इसकी भूमिका रहती है और इसकी गिरफ्तारी से गिरोह को काफ़ी झटका लगा है। और अभी तक हम लोग कुल इसको लेकर के कुल 13 लोगों को गिरफ्तार करके भेज चुके हैं और अभी तक कुल 8 आर्म्स की बरामदगी हो चुकी है और बहुत सारा कारतूस और घटना में उपयोग किए जाने वाले बाइक और मोबाइल इत्यादि बहुत चीज़ों का को बरामद किया। जैसा मैं पहले भी बताया था, इस गैंग से संबंधित जब लोग पकड़े थे, इसका काम है लोगों से रंगदारी मांगना, छोटे छोटे दुकानदारों से जाकर के उसका सामान ले लेना, खाना पैसा नहीं देना, मारपीट करना, अपने मोहल्ले में इलाके में लोगों को डरा धमका करके रखना, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए जो भी हो सके मारपीट करना, यही सब इनका मतलब। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी के खिलाफ जमशेदपुर भाजपा के प्रदर्शन की। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी पर भाजपा हमलावर हो गई है। जमशेदपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी गुरुवार को DC ऑफिस पर प्रदर्शन कर कांग्रेस व सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर अधीर रंजन चौधरी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। बताते चले कि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी की थी।
इसे राष्ट्रपति पद पर आसीन आदिवासी महिला का अपमान बताते हुए भाजपा ने तीव्र विरोध जताया है। इसी को लेकर गुरुवार को जमशेदपुर में भाजपा ने डीसी ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेता कांग्रेस सोनिया गांधी व अधीर रंजन चौधरी विरोधी नारे लगाते रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को आदिवासी एवं महिला विरोधी करार देते हुए उसके नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि ईडी द्वारा सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ का विरोध कर रही कांग्रेस और उसके नेता मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कांग्रेसियों की इसी मानसिकता का परिचायक है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के खिलाफ पार्टी आज डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के प्रमुख सोनिया गांधी जी को नोटिस किया गया और लगातार सोनिया गांधी जी ईडी के संबंध पर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस पूछताछ को गलत तरीके से मीडिया में पेश करने के लिए सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को रखने का सबको अधिकार है, आप लोकतंत्र है, आप अपनी आवाज़ को रखिए। परंतु जिस प्रकार से कल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण रोड पर बैठ के विरोध प्रकट कर रहे थे, उसी दरमियान में आपके जैसे ही लोकतंत्र के एक सजग पहरी पत्रकार बंधु ने कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी से जब कुछ सवाल किया तो उन्होंने काफ़ी गलत तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर बैठी, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन एक महिला, एक जनजातीय महिला राष्ट्रपति जी के खिलाफ में काफी अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने का काम किया। जब उस पत्रकार ने अधीर रंजन चौधरी जी को टोका और कहा अधीर दादा वो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद भी हमें लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक पत्रकार के सजग करने के उपरांत फिर से उन्होंने राष्ट्रपति को अपमानजनक शब्द से संबोधित करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में जिला मुख्यालय के बाहर बैठ करके हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को आप भी देखें कि किस प्रकार एक महिला के विरोध में कांग्रेस पार्टी बयान दे रही है। एक जनजाति संताली समुदाय की गांव से आने वाली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब से बनी है कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। अनर्गल बयानबाजी दे करके हमेशा बार बार राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैठ के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने भी कहा कि कांग्रेसियों को राष्ट्रपति के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियां बेहद गलत कर रहे हैं, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान करना उनकी मानसिकता को दर्शाती है। भ्रष्टाचार को हमेशा से पोषित करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आज जब ईडी जो न्याय संगत प्रक्रिया के तहत समन देने का काम हुआ है, सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में दिल्ली जा रही हैं, झारखंड में भी आप देखें ईडी लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बंगाल में भी, तो इन तमाम कार्रवाइयों के तहत आज तमाम विपक्षी दलों को ये लगता है कि राजनीतिक कारणों से कार्रवाई हो रही है, जबकि ये स्पष्ट है जिस तरह से नोटों के भंडार मिल रहे हैं नेताओं के घर में और नेताओं के करीबी लोगों के घर में, ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन इसके बावजूद इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो विपक्षी दल हैं और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में कल दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार साथी के सवाल पर कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने एक अत्यंत आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, राष्ट्रपति महोदया के लिए, जो किसी भी तरीके से लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है और अत्यंत शर्मनाक है और उनके चरित्र को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और कभी आप देखें ईडी के दफ्तर में जाकर कालिक पोतने का काम कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कभी भाजपा का झंडा लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सीधे तौर पर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इस जांच के जो प्रक्रिया चल रही है उससे। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए
कि राष्ट्रपति का जो पद होता है कोई राजनीतिक पद नहीं होता, वो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और आज भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला उस पद पर स्थापित हुई है। इसका सम्मान करे कांग्रेस पार्टी, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और लगातार इस तरह की ओछी बयानबाजी पे ये संलिप्त होकर ये दर्शाना चाहते हैं कि लोकतंत्र पे इनका भरोसा ही नहीं है। इसलिए हम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय से भी हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संसद के सदस्य पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बात करते हैं सरायकेला का घमरिया की भलाईडी बस्ती में सेक्स रैकेट के हुए खुलासे की। सरायकेला जिले के घमरिया थाना पुलिस ने क्षेत्र के भलाईडी में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 3 महिलाओं के साथ एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पंचायत समिति सदस्य से सूचना मिलने के बाद घमरिया पुलिस ने भाड़े के घर पर छापा मारी कर मामले का खुलासा किया। बता दें कि घमरिया प्रखंड के भुलाईडी बस्ती के लोगों को रोड नंबर 10 स्थित एक मकान में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना मिल रही थी। बस्ती वासियों ने पंचायत समिति सदस्य अमरेश कुमार को इसकी सूचना दी, जिन्होंने घमरिया पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। इसके आधार पर घमरिया पुलिस ने भुलाईडी बस्ती के घर पर औचक छापा मारा, जिसमें 3 युवतियां व 1 युवक पकड़े गए। भुलाईडी 10 नंबर रोड में घनी आबादी के बीच स्थित मकान RS रजक का है, जिसे किराए पर लेकर उसमें सेक्स रैकेट चल रहा था। पकड़ाई युवतियां पूछताछ में टाटा नगर व पुरुलिया अपना ठिकाना बता रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पंचायत समिति सदस्य अमरेश कुमार ने बताया कि बस्ती वासियों की सूचना पर वे कुछ लोगों के साथ यहां पहुंचे तो युवक यहां से भाग निकले। हालांकि उन्होंने बताया मकान से 3 युवतियां व 1 व्यक्ति को उन लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए थाना ले गई है। बात करते हैं टाटा नगर स्टेशन पार्किंग में संदिग्ध हालत में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत होने की। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन पार्किंग में शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद संदिग्ध हालत में जख्मी बारिजी के बागुन नगर डी ब्लॉक निवासी विकास दुबे नामक युवक की रेलवे अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रेल पुलिस पार्किंग में लगे CCTV कैमरों में कैद फुटेज के आधार पर घटना की जांच कर रही है। बताते चले कि बुधवार देर रात रेलवे पार्किंग में एक युवक के जख्मी होने की सूचना मिलने पर पहुंची टाटा नगर रेल पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक बारीडी के बागुन नगर निवासी विकास दुबे को टाटा नगर रेल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि विकास रेलवे पार्किंग में देर रात कुछ युवकों के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें अनबन हुई थी। हालांकि बताया गया कि विकास ने नशे की हालत में पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए बने कमरे के दरवाजे का शीशा मुक्का मार कर तोड़ दिया, जिस दौरान वह भी जख्मी हो गया। इसके बाद सूचना पाकर पहुंची रेल पुलिस उसे रेल अस्पताल ले गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। उधर पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज में विकास दरवाजे का कांच तोड़ता दिखाई देता है। वैसे कांच तोड़ने से हुई जख्म के कारण उसकी मौत की बात को अविश्वसनीय मानते हुए रेल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बात करते हैं पोटका के कालिकापुर में अपराधियों द्वारा तड़के महिला के गहने लूटे जाने की। जमशेदपुर से निकट पोटका के कालिकापुर में गुरुवार सुबह अज्ञात अपराधियों ने HCL के रिटायर्ड कर्मचारी नेताई चरण भक्त के घर में घुसकर उनकी पत्नी वनलता भगत को कब्जे में लेकर चोरी का प्रयास किया, किंतु वनलता के शोर मचाने के कारण बदमाश उसके गले का हार एवं कान की बाली लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कालिकापुर निवासी निताई भगत सुबह डायलिसिस कराने गए, जबकि उनकी पत्नी वनलता भगत घर में अकेली थी। तभी एक युवक ने आकर निताई के बारे में पूछा तो उसने उसके जाने की बात बता दी। फिर उसने पानी मांगा, वो पानी लाने अंदर गई तो वो भी अंदर घुस आया एवं उसे कब्जे में ले लिया। उसके साथ 2 अन्य लोग भी आ गए थे जो घर में लूट का प्रयास करने लगे। वनलता ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे घबराए तीनों सिर्फ उसके गले से चेन व बाली लेकर भाग गए। वनलता ने बताया कि 2 अपराधियों ने मुंह ढक रखा था एवं वे हथियारों से लैस भी थे। बाद में इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम व पोटका थानेदार रविंद्र मुंडा भी वहां पहुंचे एवं मामले की जांच शुरू कर दी। টাটা চলে গেল, আমার টাটা চলে গেল, হসপিটাল লেখা হসপিটাল চলে গেল। তো বলে করে গুছিয়ে নাই আসবার ছিল, তখন ওইদিকে গেল, ওই গলিতে গেল, গলিটাকে যাই করে আসে এটু বসল সপাটায়। বসে কাকি জল এক বোতল ড্রানো বলছে, জল খাবো, দোকানদারি হোটেল বন্ধ আছে, জল গিলাস দেওয়া বলছে। তো আমাদের বোতলে জল ভরা থাকে, এক বোতল জল নিয়ে করে আমি আসবো বলছি, ওইটা যাই করে আমাকে আমার কাছে আঁকড়াই করে কিচেন ঘর ভিতরে দিল, কিচেন ঘর যেমনি ভিতরে আইলো
चोर 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 बोली ओरा के एकदम मारछी ना खूब मारछी एकदम चोर 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 खूब चिल्लाछे आर ओरा कोशिश करछे कने गोला फुलबा आर चोर चोर अनेक चिल्लाछे आमी बहुत चिल्लाले चोर 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 बोली करे चोर चोर बोली माने तो एकटा बिरसिना आमार घरे छापा शुरू करे काम करे तो ओ दिला से दीदी की होले बोले करे आमी देख चोर 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 बोते छाड़े दी करे पलाछे ओदर पछे पछे आमी दौड़ीछी ये रोड तो चोर 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 बोले आमी ओदर पछे पछे दौड़ीछी वहीं नेताई चरण भगत के पड़ोसी राजकमल भगत ने बताया कि वो चोर चोर का शोर सुनकर दौड़कर आया तो देखा कि तीन अपराधी बाइक में सवार होकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उनमें से एक ने तलवार निकाल लिया जिससे उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, फिर वे लोग भाग निकले। अब बात करते हैं स्वर्ग जियाडी की जयंती पर टाटा स्टील द्वारा आयोजित इंटर स्कूल क्विज की। टाटा स्टील की ओर से जियाडी टाटा जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को आयोजित इंटर स्कूल क्विज में लॉयला स्कूल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित इस क्विज में जमशेदपुर के कई नामचीन स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। स्वर्ग जियाडी टाटा की जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को जमशेदपुर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में इंटर स्कूल क्विज का आयोजन हुआ। क्विज में शहर के अनेक प्रतिष्ठित स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस क्विज के प्रतिभागियों से जेआरडी के जीवन एवं कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आयोजन में लॉयला स्कूल की टीम ओवरऑल चैंपियन रही, जिन्हें 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर आई टीम को 8,000 एवं तीसरे स्थान पर आई टीम को 6,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा अन्य प्रतिभागियों को भी 57 पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि रुचि नरेंद्रन ने विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर रुचि नरेंद्रन ने अपने संबोधन में प्रतिभागी छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई करते हुए उनकी मेधा की भी प्रशंसा की। वहीं आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने इसे अपने महान पुरुषों की स्मृतियां ताजा रखने की महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी नई पीढ़ी स्वर्गीय जेएन टाटा, स्वर्गीय जेआरडी टाटा जैसी महान विभूतियों, उनकी खूबियों एवं उनकी नेतृत्व क्षमता से परिचित होते हुए उनके सद्गुण अपनाने के लिए प्रेरित होगी। उन्होंने कहा कि टाटा समूह के विषय में बच्चों की जानकारी देख उन्हें काफी प्रसन्नता। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है कि हमारे शहर में हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं श्री जेआरडी टाटा, जेएन टाटा, उन सबको इतनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं और हमारे बच्चे सीखते हैं उनकी लाइफ से। वो उनकी लाइफ एक मिसाल है हम सब के लिए, जिससे हम सीख सकते हैं जो अच्छी वैल्यूज़ हैं जिससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, और जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उन सब के बारे में अगर बच्चे समझें और उसको खुद के अंदर इम्बाइब करें, इससे अच्छा कोई लेगेसी नहीं हो सकती जो हम आगे बढ़ा सकते हैं टाटा वैल्यूज़ की। और जैसे मैंने पहले कहा, ये बच्चे जो हैं जो आगे बढ़ के दुनिया में हर तरफ जाएंगे, ये वैल्यूज़ हमेशा उनके साथ जाएंगी, और उसी से ये जो टाटाज और जेआरडी टाटा जी की जो ज़िंदगी है उसको एक नई दिशा मिलती रहेगी। हमेशा एक ऊर्जा है जो सब में रहेगी कि टाटा वैल्यूज़ हैं जो गुड ह्यूमन बीइंग्स बनने की है, फॉर परफेक्शन है, देश के प्रति जो प्यार है, द ह्यूज पेट्रियाटिक स्पिरिट दैट जेआरडी टाटा हैड, उस सब जो वैल्यूज़ हैं वो बच्चे आगे बढ़ाएं। और इस तरह इस माध्यम से ये जो क्विज़ है उनमें ये इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है, और इसलिए हम हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं टू एंगेज विद द चिल्ड्रन, क्योंकि उसी से ये जो टाटा वैल्यूज़ हैं आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के आयोजित इंस्टॉलेशन समारोह की। जमशेदपुर स्थित बेल्जी क्लब में गुरुवार को रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर की वर्ष 2022 और 23 की नई कमेटी का इंस्टॉलेशन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजीव ठाकुर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने क्लब की नव निर्वाचित अध्यक्ष सतनाम कपूला एवं उनकी पूरी टीम को शपथ दिलाई। देखिए, रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर, जैसा कि आप सब जानते ही हैं इसके बारे में, ये 86 ईयर ओल्ड क्लब है, 86 साल। ये आज हमारा 87th इंस्टॉलेशन डे है, मतलब मैं 87th प्रेसिडेंट बनूंगी, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि 87th प्रेसिडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ने हमारे जमशेदपुर में ऐसे बहुत सारे बड़े कार्य किए हैं जिसकी वजह से वो जाना जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्रेजिडेंट्स हो चुके हैं जो कि कह सकती हूँ कि हुज़ू ऑफ जमशेदपुर हैं, जो कि इस पदभार को पहले संभाल चुके हैं और एक लेगेसी छोड़ के गए हैं हमारे लिए, ऐसी कहते हैं ना साधन तैयार करके गए हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चल सकें। अब कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लब कर रहा है, इससे पहले बता दूं कि हमारा जो क्लब है जैसे 86 ईयर ओल्ड क्लब है और इसमें 120 रोटेरियंस हैं, 120 रोटेरियंस हमारे मेंबर्स हैं इस क्लब में, और सभी ऐसे रोटेरियंस हैं जो किसी न किसी काम में अपने अपना योगदान देना चाहते हैं, और क्योंकि समाज में हर तरह की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा के केंद्र शिक्षा के लिए क्षेत्र में हो, या वृक्षारोपण मतलब एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हो, या एजुकेशन के क्षेत्र में हो, डिजीज़ प्रिवेंशन है, मेटरनल चाइल्ड एंड केयर हेल्थ है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी जो फोकस एरियाज़ हैं हमारे यहाँ पर ऐसे रोटेरियंस अवेलेबल हैं, हमारे साथ हैं, कनेक्टेड हैं, जो कि किसी न किसी एरिया पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हमारा जो क्लब है, आपने मुझे कहा कि एज अ महिला प्रेसिडेंट, हमारे सबसे खूबी यही बात है, पहले तो जैसे सर ने बताया कि 117 साल का जो रोटरी इंटरनेशनल है उसमें पहली बार एक महिला जो है वो रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन हमें ये गौरव मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहली प्रेसिडेंट हूँ, वर्षों से हो रहा है, हमारे क्लब में बहुत सारी महिलाएं पहले भी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। एब्सोल्युटली इतना सिस्टम इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है हमारे रोटेरियंस ने जो पीछे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हमें बस उनको फॉलो करना है, और हमारा जो रोटरी जैसे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, हमारे पास में इतने गोल्स एंड टारगेट सेट कर दिए जाते हैं, हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि हम उनको अगर फॉलो करें तो एक अच्छा सिस्टम के तहत हम क्लब को बहुत अच्छे तरीके से चलाते आए हैं और आगे भी चलाएंगे। हमारी यह संस्था 1905 से रन कर रही है, पर इस साल का 1 जुलाई एक विशेष महत्व लेकर आया है, क्योंकि पहली बार इस 117 वर्ष पुरानी संस्था में किसी महिला ने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिनका नाम जेनिफर ई जोन्स है, जो मूलतः कनाडा से है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रोटरी क्लब अपने को डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक स्ट्रक्चर करती है, हम सभी इस बिहार झारखंड के लोग डिस्ट्रिक्ट 3-5-0 के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें एक गवर्नर है और 105 क्लब है, हर क्लब का अपना एक प्रेसिडेंट होता है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय सेवा संस्था है, इसने 1985 से संकल्प ले रखा था पोलियो को समूल विनाश के लिए, आज तक हम उस पर काम कर रहे हैं और हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, सिवाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हमने दुनिया से इस बीमारी का खात्मा करने में सफलता पा ली है। हमारा नया संकल्प 2025 तक एशिया को, साउथ एशिया को साक्षर बनाने का है, हम इस दिशा में खुद से संकल्प लेकर खुद इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम नहीं है। हम 7 विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में मानवता की सेवा के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और उन 7 विभिन्न क्षेत्रों में हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारा आसपास का समाज, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया, सारे लोगों के लायक की धरती रहने लायक संभव सद्गुण संपन्न बन सके। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए ऐसी CN News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।